लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करें, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहित कुमार, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के कई वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा, इसको लेकर के मोर्चा लगातार दो सालों से लगातार आंदोलन कर रही है, उसी को लेकर के राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल में से कोई भी प्रतिनिधि मंडल का टीम आके हमसे पूछा नहीं है कि किस लिए बैठे हुए हैं। कई वर्षों से सारा इंडिया में लंबित भुगतान की समस्या है और राज्य सरकार हमारी पीड़ा और दुख दर्द को समझ नहीं रही है। क्या आप लोग एजेंट हैं यार, आप लोग या पैसा जमा? हमारा पैसा जमा है, हम लोग कार्यकर्ता जमाकर्ता दोनों हैं। अच्छा। हमारा खुद का भी पैसा है और हमारे जमाकर्ता बंधु का भी पैसा, वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। आप लोग कोई केस उस किए हुए हैं क्या कुछ? हम लोगों ने केस थाने में मुकदमा सारा चीज़ दर्ज करवाया है, FIR दर्ज करवाया है। यहीं पटना में दो दो FIR दर्ज हुए हैं, तीन FIR दर्ज है कई महीनों से, कोई सुनवाई नहीं। सुशासन के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार जी, आज कहाँ है आपकी सुशासन की व्यवस्था है जो सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के कहीं दिखाई नहीं दे रही है? नीतीश बाबू को आप क्यों दोष दे रहे हैं? नीतीश कुमार को राज्य की व्यवस्था को लाने वाले व्यवस्था सहारा इंडिया हम जिसने पैसा जमा करो तो गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सरकार है। सेंट्रल का चीज हो गया ना, आरबीआई से पैसा मांगे ना, आरबीआई लाइसेंस देता है सहारा इंडिया को। एक मिनट, तो सेंट्रल तो आप राज्य सरकार थे, सेंट्रल तो दारू पे कहीं रोकने लगा, आप सरकार में क्यों दारू पे रोक लगा? आपकी व्यवस्था थी, सरकार राज्य की व्यवस्था को लागू करते हैं। मेरी बात सुनिए, सहारा इंडिया में जो आरबीआई सिक्योरिटी मनी लेता है उससे जो पैसा लेता है, तो आप ये सेंट्रल का दखलअंदाजी ज्यादा है। आप नीतीश कुमार को हमारी भुगतान सोसाइटी में सहकारिता विभाग में, हमारा जो पैसा है वो सहकारिता विभाग में, सहकारिता विभाग में पैसा है। पैसा जमा किया गया यहाँ पे आपके बिहार प्रदेश में 2 करोड़ लोगों की समस्या है। ये समस्या किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं, आप राज्य सरकार प्रतिनिधि मंडल की टीम है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो जनता आपको वोट कर रहे हैं वही प्रदेश में 2 करोड़ लोगों की समस्या है? इसी समस्याओं को लेकर के जाए, आप गए नीतीश कुमार के पास? कई बार उनको ज्ञापन दिया गया, क्या बोले वो? ज्ञापन देख लिए हैं और वो पल्ला झाड़ रहे हैं, कुछ नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है नहीं। हाई कोर्ट के जज के आदेश है कि सहारा इंडिया में जितना भी सोसाइटी में भुगतान उसको दिया जाए। 22/3/2022 को ही ये जजमेंट आया गया था, फिर भी आज उस जजमेंट का कोई पालन नहीं कर रहा। ये किसका आदेश है? हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के जज का आदेश है। और इसको लेकर के सहारा कंपनी के ऊपर जितने भी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सभी अधिकारियों पर एक दो नहीं बल्कि हजारों FIR दर्ज है। आप बताइए, जब FIR दर्ज हो इस शासन व्यवस्था का ये काम है कि नहीं कि उस शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किसका है? आपके यहाँ बिहार में चेचे FIR दर्ज है तो हम केंद्र सरकार को जाए, आप प्रशासन व्यवस्था यहाँ का देखने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है कि नहीं? उस FIR पे आपने क्यों नहीं कार्रवाई को पहल किया? अच्छा ये बताइए, बिहार से कितने आदमी, कितना पैसा इन्वेस्ट? बिहार में लगभग ये संख्या 20,000 करोड़ से ऊपर का है, मामला है 20,000 करोड़ का। हाँ, 20,000 करोड़ का, इतना बड़ा मामला है। और इसको लेकर के बिहार प्रदेश के अंदर आज हजारों के संख्या में मर चुके हैं लोग, सरकार दखल नहीं कर रही है, कोई दखल नहीं कर रही। अंत में आज हजारों की संख्या में भूख हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट का क्या अपडेट क्या है आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला है ही नहीं, तो हाई कोर्ट का अपडेट आया है ना? हाई कोर्ट का जज तो आदेश दे चुकी है भुगतान के लिए, भुगतान दे रही है। झूठ बोल के पहला फुकला देती है बार बार। इसको लेकर के आज जो है इसको लेकर के लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये मैसेज दिया जा रहा है। कब तक करेंगे यहाँ पर प्रोटेस्ट? आज ही भर है ये, तो आज हम लोग एक वैधानिक चेतावनी दे रहे हैं राज्य सरकारों को कि अगर ये जल्द जल्द व्यवस्था सुनी नहीं गई, देखी नहीं गई, तो आने वाले समय में हम लोग पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन से ही सरकार प्रभाव में आती है। अगर आंदोलन हुआ तो सत्ता का भी परिवर्तन होगा। तो सरकारों को ये चेतावनी है कि जल्द से जल्द सहारा इंडिया भुगतान का जो भी मामला आप पहल करके इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि वो व्यवस्थाएं के मालिक आप हैं, तो पहल भी आप ही के द्वारा होनी चाहिए। ये सहारा इंडिया भुगतान की बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ बिहार के लोगों का इन्वेस्टमेंट है सहारा इंडिया में। सहारा इंडिया में हालांकि कई बार कोर्ट ने फटकार लगाई है सहारा इंडिया को कि वो पैसे का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन सहारा इंडिया पैसे का भुगतान करने का देने का नाम नहीं ले रही है। और अंत में ये लोग रोड पर उतर गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरा भुगतान किया जाए, सरकार इसमें दखलअंदाजी करके भुगतान किया जाए। अब देखते हैं कि सहारा इंडिया के द्वारा पैसा उनका भुगतान होता है या नहीं होता। मैं शंभू कुमार, कैमरा मैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।